वेलकम बैक टू अदर व्लॉग एंड टुडे इज 26th ऑफ जनवरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे एवरीवन। और भाई अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और मैं धर्मशाला में घूम रहा हूँ। जी हाँ, क्या हुआ कि मैं सोया हुआ था तो भाई नींद खुल के नींद पूरी होगी, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट किया जाए और साथ ही साथ यार एक वॉक पे जाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से वॉक नहीं करी है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा धर्मशाला की फील लेता हूँ। बट भाई सच बोल रहा हूँ, एकदम मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पैक तो होके आया हूँ मैं सारा। ठीक है, अगर आप भी आओ तो प्लीज़ यार डेफिनेटली इस चीज़ को एंजॉय करना। मैं बहुत टाइम से एंजॉय करना चाहता था ये चीज़ और आज कर रहा हूँ। और अभी मैं वॉक करते करते सोच रहा स्टेडियम तक जाऊँ, जो HPCA का स्टेडियम है, देखो पूरा हो पाता है मेरा कि नहीं। वैसे है तो थोड़ा पास में ही, पर कोशिश करूँगा जाने की। ठीक है, तो चलते हैं, दिखाता हूँ, अगर मैं गया तो आपको डेफिनेटली दिख जाएगा। तो भाई अभी आप कुछ देख रहे हो ना, थोड़ी बार एक बार फिर से देखो भाई, ये डरा के रख दे। तो ब्लॉगर्स हैं ना भाई, उनके लिए तो बहुत मस्त है, क्योंकि जगह 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 पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। और अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइट आ रही है, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है यार कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी है। जी हाँ, और भाई सच में यार स्मार्ट सिटी लग भी रही है, सफाई इतनी ज्यादा है ना, और जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट्स है भाई, मजा आ जा रहा है मेरे को घूमने में भी। मतलब पूरे रास्ते में कोई अंधेरा नहीं है, और अगर आप देखो ना बिना स्ट्रीट लाइट्स के, ये ऐसा रास्ता कोई उसको भूतिया रास्ता ही बोल सकता है। जी हाँ, इतना ये मतलब थोड़ा डेंजरस रास्ता है, बट ये स्ट्रीट लाइट्स के कारण बिल्कुल भी नहीं लगता। और यहाँ पे सारे एज यूजुअल, जैसे हमारे मतलब हिमाचल में आर्मी का क्रेज सबको होता था, लड़के यहाँ पे रनिंग वगैरह कर रहे हैं हद से ज्यादा, तो मतलब रौनक लगी हुई है। मैं स्टेडियम के बाहर आ चुका हूँ, ये स्टेडियम की बाउंड्री है सारी की सारी। ठीक है, अभी फ्रंट गेट वाली साइड भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा शूट करके बता दिया जाए कि भाई सच में आपको भी उम्मीद हो जाए कि हाँ भाई पहुंचने वाला है बंदा। तो चलो चलता हूँ, अभी अंधेरा है और ये मुझे समझ नहीं आया, 6:30 जैसे ही हुए मैं पूरे गेट के बाहर आया और सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ होगी। अब ये नहीं मालूम कि ऑटोमेटेड सिस्टम है कुछ या क्या है, देखते हैं दोबारा आती है कि नहीं। गुड मॉर्निंग, अच्छा राम राम कर दो, राम राम कर दो सबको, गुगू राम राम कर दो, राम राम। अभी तो भाई ये देख रही थी फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग, और जैसी रसबरी को देखती है तो बेबी बेबी करना शुरू हो जाती है। तो अभी स्वेटर पहनाने लगे थे, तो भाई स्वेटर भी ना पहने के पहले व्लॉग दिखाओ, तो बस अभी व्लॉग लगाया है वो दिखाता हूँ। कुकू नो माउस छोड़ बेबी। गाइस अभी सनराइज भी हो चुका है, तो आपको व्यू दिखाता हूँ इस टाइम पे कैसा है भाई, मजा आ जाएगा आपको देख के। Even though everyone want this view in every morning. Cause those hands and lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up. Guys, अभी हम जो भागसुना वाटरफॉल का स्टैंड है यार, मतलब वो गली से निकल के जाना पड़ता है, बस वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी मैं वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे भागसुना का स्विमिंग पूल है, तो आपको थोड़ा इसको सिनेमैटिक व्यू देने की कोशिश करता हूँ। अभी झरने के पास पहुँच चुका हूँ, जो वाटरफॉल है दिखाता हूँ आपको। अभी पानी बहुत कम है, लेकिन कुछ टाइम बाद बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। वॉटरफॉल के बाद डायरेक्ट हम दलाई लामा टेम्पल गए, तो दलाई लामा टेम्पल के आगे एक पार्किंग है, ठीक है, वहां पे हमने कार पार्क करी। और जैसे टेम्पल के गेट पे पहुंची तो भाई वो बैठा हुआ था गार्ड, कहता है भाई 1 साल से बंद है ये। तो अब बात ये नहीं है यार, पार्किंग वाले को बता देना चाहिए, उसको सिर्फ पैसा कमाना था, हमारी कोई बात नहीं, हम तो लोकल थे यार, फिर आ जाते, ठीक है। जो इतने दूर दूर से आ रहे थे भाई, कम से कम उनको क्लियर कर, बात पैसे की नहीं है, बात है टाइम की, उनके टाइम की वैल्यू रख, वो कुछ टाइम के लिए वहां घूम तो आए कहीं और दूसरी जगह, भाई हैरान ही हो गया मैं तो। और दूसरी चीज ये कि भाई जब आप देख सकते हो, मैं सुबह सुबह वॉक के लिए गया था भाई, तो मैं एडिट कर रहा था अभी, तो मैंने देखा यार वो पीछे पता नहीं व्हाइट व्हाइट सा क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया तो क्या है, मैं याद करने की कोशिश भी करे, कुछ ऐसा तो नहीं था
कि जो मतलब हो वहां पे कोई पर्टिकुलर आइटम या कुछ रखा गया हो और मुझे पता ना चल रहा हो, बट अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है। अगर क्लियर हुआ तो मैं आपको जरूर कम्युनिटी टाइप पे या फिर इंस्टाग्राम पे बताऊंगा कि वो क्या था। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो। दिल से हिमाचली, दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।